यू मी और टीवी आ पहुंचा है एकता कपूर के मच हाइप्ड शो दिल ही तो है के ऑन लोकेशन पर, जहां शो की लीड यानी कि योगिता अपने शॉट के लिए हो रही हैं रेडी। आज हम पहुंचे हैं योगिता के मेकअप रूम में, जहां योगिता ने यू मी और टीवी से की कई खास बातें। तो योगिता, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मिला आपको दिल ही तो है? आई वेंट फॉर एन ऑडिशन। पहले मैंने ऑडिशन दिया था और थोड़ा लग रहा था कि अगर ये हो गया तो काफ़ी अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा एक्चुअली। बट नर्वस भी थी, बट मैंने अपना बेस्ट दिया ऑडिशन में एंड आई थिंक एकता मैम रियली लाइक्ड मी एंड फाइनली आई मेड इट टू द एंड और आज बैठी मैं आपके सामने आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत ही बालाजी कैंप के साथ हुई है। एकता को इम्प्रेस करना कितना मुश्किल था योगिता आपके लिए? डिफिकल्ट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जितने भी एक्टर्स उन्होंने अभी तक लॉन्च किए हैं दे आर डूइंग रियली वेल एंड बिकॉज दे आर वेरी गुड, सो यू हैव टू बी रियली गुड टू इम्प्रेस एकता मैम, सो इट वाज डिफिकल्ट। तो डॉक्टर पलक को रेडी होने में कितना टाइम लगता है? अराउंड 1 घंटा because Doctor Parak has long hair and I have short hair, so hair and but makeup करने में ज़्यादा time नहीं लगता because it's a very basic makeup, very nude eyeshadows and nothing much, nothing loud, very simple because she's a doctor. उसको इतना time नहीं है कि वो बहुत सारा makeup कर सके और तैयार हो सके, so it's actually good for me. योगिता, इस शो में करण आपके को स्टार हैं। करण के साथ काम करने को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? आई वाज ब्लशिंग बट या आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज आई हैड बीन वाचिंग हिम ऑन टीवी व्हेन आई वाज अ टीनेज गर्ल एंड आई हैड सीन हिज सीरियल कितनी मोहब्बत है एंड वाज अ आई हैड अ लिटिल क्रश एंड यू नो बिकॉज just favorite serial, I think that was a very famous serial and every girl was crushing over him, so from that day to this day I was really happy. One take shot तो होता नहीं है, lucky me. But yes, I think I was really lucky. I got a ad with Salman Khan and then he's a very nice person. इतना अच्छा लगा मुझे उनके साथ shoot करके because when you have such big personalities with you, but मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा. I was really comfortable. मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ शूट करके, बहुत confident feel हुआ. उनसे काफ़ी बात भी की थी मैंने सेट पे और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जितना अच्छा मुझे लगा उसके बाद आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा मेरे साथ हो गया है, तो सब कुछ अच्छा हुआ है। वही बेनिफिशियल तो नहीं है आपके लिए? ये डेफिनेटली है। आई कैन से सलमान खान के बारे में सब बोलते हैं वो लकी हैं एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वो बहुत लकी हैं वो सबके लिए बहुत लकी होते हैं। जाते जाते आपके दिल की एक बात जो आप अपने शो दिल ही तो है के लिए ऑडियंस से कहना चाहेंगी? दिल से बात मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत मज़ा आएगा आपको ये शो देखते हुए। आई कैन गिव यू अ श्योरिटी बिकॉज इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अ लव स्टोरी ऑल्सो बट फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आई थिंक एवरी फैमिली विल रिलेट एंड विल डेफिनेटली एंजॉय ईच एंड एवरी एपिसोड। मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24।